तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रदेश में सर्दी की मावट हुई और मावट के बाद बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते पश्चिमी विक्षोभ तो सर्दी में इजाफा हुआ। अल सुबह आज भी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहां पर कोहरा देखा गया। सर्द हवाएं चलती रही जिस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कल प्रदेश के कई इलाकों में छितराई बारिश होती रही जिस वजह से जो तापमान है उसमें 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई। हालांकि मावट चल रही है और मावट की वजह से अन्नदाता किसानों के चेहरे खिले हैं। अब आगामी दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी क्योंकि कल से दिसंबर की शुरुआत। अगले 2 से 3 दिन राज्य के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। कई सारी जानकारियां कोहरे से जुड़ी हुई और खासतौर पर एहतियात कोहरे की वजह से बरतने की जरूरत और खबर बार बार दिखाने का मंतव्य भी यही कि कोहरा है, ऐसे समय में बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। इस समय को कोहरे का जो समय है उसको टालकर वाहनों को लेकर निकले रास्तों पर क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है, जो कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। बावजूद इसके कि संभल संभल कर चल रहे हैं और हेडलाइट चलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर होता है और इस वजह से यह अपील है फोर्स इंडिया की कि अपना खास ख्याल रखें। हालांकि सर्दी के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए आइडल मौसम ये है। शीतलहर असर दिखा रही है, खाने पीने का मौसम है। सर्दी से जुड़े हुए जो व्यंजन है, भले वो मूंगफली के व्यंजन हो, वो गजक हो, मीठे की बात हो या फिर टूरिज्म प्लेसेस पे पहुंचने की बात हो, हर कुछ सर्दियों में परवान पर होता है। पर्यटन का सीजन है और इस दिन खासतौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज, और चलिए आपको जयपुर से तस्वीरें और दिखाते हैं क्योंकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। शिवांगी, जयपुर में 3-4 दिन से मौसम बहुत ठंडा है और मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इस तरह से रहेगा। आज की सुबह की शुरुआत भी कोहरे के साथ हुई। फिलहाल के अपडेट मौसम के लिहाज से जी जयती, इस समय मौसम जो है काफ़ी ठंडा है जयपुर में और जैसा कि हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, कल से जो है दिसंबर की शुरुआत है और दिसंबर सर्दियों का जो महीना है उससे जाना चाहता है कि दिसंबर से सर्दियों की शुरुआत होती है। तो आज भी जैसा कि हम देख सकते हैं अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के और मौसम अभी तक जो है कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी धीरे धीरे क्लियर हो रही है लेकिन अभी भी जो है दूर तक जो है जो पहले दिखा करता था गर्मियों के मौसम में, वो अभी विजिबिलिटी थोड़ी कम है अगर हम कंपेयर करें तो। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है आने वाले दिनों में कोहरा जो है वो भी बढ़ता जाएगा, तो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलाएँ। और गर्मियों में जिस हिसाब से सुबह की शुरुआत 4:30 बजे जो है सूरज निकल जाता था, जो सर्दियाँ आ गई हैं तो सूरज भी है थोड़ा देरी से निकलेगा और जो शाम ढलेगी वो थोड़ा जल्दी ढलेगी तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हुआ करेगा, तो लोग उस हिसाब से अपना दिन जो है प्लान करें और कोहरे की वजह से गाड़ी जो है धीरे चलाएं क्योंकि उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है तो रिस्क बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंटल रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ तापमान में काफ़ी गिरावट है और ठंडी हवाएँ जो हैं वो भी चलती हैं, तो दिन के समय में जो सूरज की किरणें आती हैं वो सर्दियों में जो है बहुत अच्छी लगती हैं। तो दिन में जो है लोग चाय लेके अपने गार्डन में भी बैठते हैं, तो ये जिन लोगों को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा तो लोग अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें क्योंकि सर्दी लगने के बहुत चांसेस होते हैं और बीमारियाँ काफ़ी फैलती है, तो उसके हिसाब से अपने आप को लोग कवर करके रखें, अच्छे से स्वेटर पहन के रखें। और विजिबिलिटी के जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए गाड़ी भी धीरे चलाएं और साथ ही साथ जो फॉग लाइट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करें, गाड़ियों में जो फॉग लाइट्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल करें और गाड़ी धीरे चलाएं ताकि उनकी भी सुरक्षा बनी रहे और साथ ही साथ जो रोड पे जानवर हैं या फिर लोग जो चल रहे होते हैं उनकी भी सुरक्षा साथ ही साथ बनी रहे। बिल्कुल, बहुत खास बात शिवांगी आपने कही क्योंकि इंसानों की सेफ्टी तो ज़रूरी है लेकिन जो बेजुबान है उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है और खासतौर पर सर्दी के मौसम में उनके लिए थोड़ा सा कोशिश है, ज़रूरत है कोशिश करने की। आप बने रहिए शिवांगी, एक बार कोटा का भी रुख करते हैं। हमारे साथ सीयू की भंवर एस चारण भी लाइव जुट गए हैं। भंवर, कोटा की सर्दी किस तरह से चल रही है अभी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर कोटा में भी इन दिनों नजर आया, सुबह की शुरुआत कैसी हुई और अभी तापमान क्या वहाँ पर? ऐसा लगा कि इस बार जाड़ों का इंतज़ार किया जा रहा है लेकिन सर्दियां आ ही नहीं रही है, कहीं सर्दियां रास्ता तो नहीं भूल गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पश्चिमी विक्षोभों के असर के बाद, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद, अब शायद सर्दियां वापस अपने रास्ते पर हैं, अपने सही मुकाम पर हैं और वहाँ पहुँच रही है जहाँ उनका इंतज़ार हो रहा था।
पिछले दो दिनों से कोटा में मौसम अब एक तरह से कह सकते हैं कि ठंड का बन चुका है। सवेरे की शुरुआत होती है तो कोहरे की चादर देखने को मिलती है और देर सवेरे तक विजिबिलिटी कम रहती है, कोहरा छाया रहता है और इसी हिसाब से जो लोगों की दिनचर्या है वो भी बदलती जा रही है। मैं आपको कोटा के कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँ। अभी अभी यहाँ पर सूरज देवता निकले हैं, काफ़ी लेट 11 बजे बाद सूरज निकला है कोटा में। सूरज निकलने के बाद आप देख रहे हैं कि इस पूरे इलाके में यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी देर पहले तक अभी भी हालांकि आपको नजर आएगा कि हल्का हल्का कोहरा है, लेकिन अब कोहरा छट रहा है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ सघन कोहरा था, कुछ मीटर दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज देवता प्रकट हुए हैं और धीरे धीरे उनकी किरणें तेज होती जा रही है, वैसे वैसे अब कोहरा छटता जा रहा है, विजिबिलिटी क्लियर होती जा रही है और विटामिन से भरपूर जो सूरज देवता की नन्ही और जो नवजात किरणें हैं उनका आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, देसी सैलानी पहुंच रहे हैं और यहाँ तालाब किनारों पर बैठ करके आपको अलग अलग टुकड़ों में लोग नजर आएंगे, छोटे छोटे पॉकेट्स में, जो कि यहाँ इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, नई नई सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए उन भी कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ। आ गई सर्दियाँ, स्टार्ट हो गई, तो कितना बदल गया आप सर्दियों के साथ आपका डेली का रूटीन? अभी तो वही ज्यादा है नहीं, हल्की हल्की आई ज्यादा। तो यहाँ क्या धूप को एंजॉय किया जा रहा है? बिल्कुल, इसीलिए बैठे हैं, सर्दियों का तो बहुत अच्छा मजा है, खाने पीने का, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। तो देखिए सर्दियां नई नई है तो लोगों को मजेदार लग रही है, ठंड जब बढ़ती है तो मुश्किलें भी बढ़ती है, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ठंड का मौसम भारी होता है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, ये कोटा के किशोर सागर तालाब का किनारा है, आसपास कुछ हरियाली है, पानी का चूंकि किनारा है तो यहाँ आप देखिए लोग पहुँच रहे हैं, बच्चों के साथ पहुँच रहे हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ पहुँच रहे हैं और आप देखिए किस तरह से जो मौसम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल ये सर्दियाँ सबको भा रही है, सबको अच्छी लग रही है क्योंकि फिलहाल जो नया नया जो सर्दियों का मौसम है वो आया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये नज़ारे कि किस तरह से ये जो मौसम है ये अभी लोगों को भा रहा है, अच्छा लग रहा है और सर्दियों को कोटा के लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन शाम आजकल जल्दी हो जाती है और रात में भी सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी जो दोपहरें हैं वो अच्छी खासी धूप लिए होती है और लोगों को अच्छी लग रही है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सूरज देवता का ताप कमजोर होगा, ठंड का मौसम बढ़ेगा और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के साथ ही प्रचंड ठंड का सीजन भी शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल भंवर, आप बनी रहिए हमारे साथ क्योंकि आपने ठीक कहा, शुरुआत की सर्दी है, शुरुआत की सर्दी लोगों को उतनी ज्यादा चुभती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी लोगों की कंप्लेंट्स भी शुरू हो जाएगी। लेकिन चलिए ऋतु बदलाव है, होना लाजमी है। एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं शुभांगी, जयपुर में क्योंकि जयपुर के जो आसपास के इलाके हैं, कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लगातार ठंड की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई क्योंकि जो फसल अब बोई है उसमें अच्छी पैदावार की उम्मीद वो कर रहे हैं। जो बारिश है वो एक तरीके से खाद का काम करी है, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों की जीवनचर्या भी प्रभावित हुई होगी। शिवांगी तस्वीरें आप देख रही हैं, आप अभी समय एक मौजूद हैं सड़क के किनारे पर, वहां से वाहनों की रेलम पेल भी चल रही होगी क्योंकि ऑफिस का लगभग जो समय 9 से 11 का रहता है वो चल रहा है अभी। जी जयती, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मावट की जो है शुरुआत हो चुकी है और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू हो गया, उनके चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि जो बारिश होती है मावट के समय की वो बहुत ही अच्छी होती है फसलों के लिए। साथ ही साथ आपने रिहायशी इलाकों का जिक्र किया तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगी, रिहायशी इलाकों में जो लोग होते हैं, जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो हाउसवाइफ्स होती है, उनको काफ़ी अच्छा लगता है इस समय क्योंकि बारिश होती है तो वो चाहती है कि अपने बालकनी में बैठ के गर्म चाय का आनंद ले। और साथ ही साथ जो ऑफिस आवर्स की आप बात कर रहे हैं तो ऑफिस आवर्स के हम अगर देखें तो अभी भी 11:30 बजने वाले हैं और अभी भी काफ़ी धुंध है और इसलिए जो गाड़ियों की गति है वो काफ़ी धीरे है। और साथ ही साथ ऑफिस आवर्स में जैसे कि जो बाइक पे होते हैं लोग वो काफ़ी अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ठंड जो है वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बाइक चालकों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है बाइक चलाने में इतने ठंड में क्योंकि ठंडी हवा जो है वो एकदम से उनके ऊपर आती है। और ओस, और थोड़े आने वाले समय में हम देखेंगे कि सुबह सुबह ओस भी पड़ेगी और तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट आएगी और दिसंबर में हम जानते हैं कि काफ़ी शादियों का भी सीज़न है तो रात को शादियों में भी लोगों को काफ़ी ठंड लगने वाली है और आई एम श्योर जो लोग तैयार होके आएंगे वो भी अपने जैकेट साथ ही लेके आएंगे जी। और आने वाले दिनों में अंगीठियों का और हीटर्स का भी इस्तेमाल होगा तो हम उसके लिए भी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि उनका इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि जितना ही ये आनंद देती है और जितनी गर्माहट देती है उतनी ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं तो उसको अपने से दूर रखें और उसका जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें। बिल्कुल शुभांगी, एहतियात बरतने की ज़रूरत है हर एक
बात पर। और हमारे साथ में जोधपुर से सहयोगी राजीव भी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि कोटा से आपने जानकारी देखी, जयपुर से जानकारी देखी, लेकिन इससे पहले